मौसम का मिजाज के बदला देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल गया। किसान से लेके गर्मी में तपने वाले आदमी बारिश की राह देख रहे थे, पर बारिश ऐसी आई कि एक बारिश ने स्मार्ट सिटी में ऐसा रूप दिखाया कि स्मार्ट सिटी केवल दो दिन की बारिश से लोगों के घरों तक आ गई। घरों के अंदर पानी चला गया और सड़कों पे पानी ऐसा भरा कि मानो गाड़ियों के पहिए दिखने ही बंद हो गए। घुटनों तक के पानी में बच्चे कागज की नाव से खेल रहे थे और बारिश के बाद सड़कों पर हर दो कदम में गड्ढे हैं। इन स्मार्ट सिटीज में सड़कें तो बारिश से धसी जाती हैं। हिमाचल में 736 सड़कों को बंद करना पड़ा मात्र 9 फ्लैश फ्लड की वजह से। मनाली का तो 4-लेन हाईवे ही लगा कल रात था और आज गायब हो गया, पूरा हाईवे बारिश से बह गया। और अगर हम बात करें दिल्ली NCR की तो गुरुग्राम को स्मार्टेस्ट सिटी कहा जाता है। उसका हाल तो ऐसा हुआ कि दो दिन की बारिश से ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना पड़ा। सड़कों पर पानी ऐसा था कि बच्चे उसी में तैरने लगे। इन स्मार्ट सिटीज में सड़कें इतनी जल्दी टूट जाती हैं, इतनी जल्दी तो लोगों के दिल भी नहीं टूटते। गुरुग्राम द स्मार्टेस्ट सिटी 2016 की बारिश से भी पूरा सहम गया था। उस साल भी कहा गया कि शहर के ढांचे का विकास किया जाएगा, पर 2018-2022 में भी ये नहीं हुआ। चेन्नई में भी बारिश के कारण बाढ़ आई थी। मुंबई में भी बारिश के कारण काफी लोगों की मौत हो गई। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में नाली का पानी भर गया। ये स्मार्ट सिटी में एक दो दिन की बारिश हाय तौबा मचा देती है। स्मार्ट सिटीज आखिर स्मार्ट हैं कैसे, किस कारण से, कितनी ही स्मार्ट सिटी है, पर क्या स्मार्ट सिटी का हर बारिश में यही हाल होगा? सिर्फ फ्लाईओवर, ब्रिजेस, मॉल्स, ग्राउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस, आउटलेट्स एक सिटी को स्मार्ट बनाता है। वाटर लॉगिंग की 200 शिकायतें आई हैं। दो सड़कें दो दिन की बारिश में टूट गई और इनका कारण घटिया इंजीनियरिंग है, घटिया मटेरियल्स हैं जो कि एकदम बेकार क्वालिटी के हैं। दिल्ली में अभी तक ड्रेनेज प्लान नहीं किया गया है। स्मार्ट सिटीज के क्या ही हाल होगा ये राम भरोसे है। अगर एक दो दिन की बारिश से गुरुग्राम जैसी स्मार्ट सिटी चरमराने लगेगी तो बाकी स्मार्ट सिटीज का क्या होगा ये भी भगवान ही जानता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।